हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी को लेके, स्पेशली जो एग्रीकल्चर पोस्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एग्रीकल्चर पोस्ट से जुड़े हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने पास है विद एग्रीकल्चर डिग्री, जिनके पास बीएससी इन एग्रीकल्चर की डिग्री है एंड उन्होंने सीईटी पास कर रखा है। तो हमने जो आप लोगों के लिए पोल रखवाया था उसमें 150 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सीईटी क्लियर है, एंड इसको हम 4 to 5 टाइम मैक्सिमम मान सकते हैं। 600 to 700 कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने सीईटी क्लियर किया विद एग्रीकल्चर, जिनके पास बीएससी इन एग्रीकल्चर डिग्री है। एंड ये आपको मैक्सिमम रेंज बता दी है, इससे ज्यादा कैंडिडेट के पास सीईटी क्लियर का सर्टिफिकेट नहीं है इन हरियाणा। सेकंड चीज, अभी तक हरियाणा सरकार ने नहीं बताया कि 4 टाइम कैंडिडेट को लेंगे। अगर 4 टाइम कैंडिडेट को लेते हैं तो आपके अगर 50 के आसपास नंबर है तो अभी आप एग्रीकल्चर पोस्ट में 4 टाइम्स में आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप क्वालिफाई कर रखा है तो ये मान के चलिए कि क्वालिफाई को अगर बुला लिया एंड एग्जाम डेट आ गई इमीडिएटली तो आप कैसे तैयार करोगे। सो ऑब्वियसली आप हरियाणा जीके, इंडिया जीके, हिंदी इंग्लिश एज वेल एज मैथ रीजनिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके कॉमन रहेंगे, चाहे ग्राम सिव हो या फिर एग्रीकल्चरल पोस्ट, एंड इनको आप हर टाइम प्रिपेयर रख सकते हो। इसके अलावा हमारी साइड से बैच बहुत जल्द स्टार्ट होगा तो उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी, बट उसमें अभी तक पोस्ट स्पेसिफिक कोर्स हम नहीं स्टार्ट करेंगे बिकॉज उन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं बताया है। एंड कोर्स स्पेसिफिक की बात करें, जो पोस्ट आएगी जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंस्पेक्टर की पोस्ट आ गई तो उसमें कोऑपरेटिव का क्या रोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसका क्या बैकग्राउंड था एंड क्या कुछ हुआ था, तो सारे क्वेश्चन आपके मैक्सिमम 30 to 35 बन सकते हैं। बट उसके अलावा 35 क्वेश्चंस को छोड़ के एक मिनट 65 क्वेश्चंस वो कहाँ से आएंगे, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, ये सारे जो सब्जेक्ट मैंने पहले डिस्कस किए। तो मेक श्योर आप अपनी कमांड इन पे भी बनाइए, एंड पोस्ट स्पेसिफिक में हम 30 में से हम मान सकते हैं 20-22 इतने हम अगर कवर करते हैं तो अभी सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे ज्यादा ना तो टफ एग्जाम आता, जितने भी आपके एचएसएससी के प्रीवियस पेपर हैं वो भी आप देख सकते हैं, वहीं से आपका हरियाणा जीके भी कवर हो सकता है, बट हमारी साइड से आपको अनाउंसमेंट बहुत जल्द कर दी जाएगी। सो यू कैन स्टे ट्यून्ड एंड इस सेशन को लाइक करें अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो। रेस्ट आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं रेदर देन कमेंट में, क्योंकि कई बार रिप्लाई करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। सो आज के लिए बस इतना ही, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।